हेलो दोस्तों, मैं हूं अनवर, आप देख रहे हैं एग्रो बिजनेस प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, बकरीद का ये आखिरी मंडी है आज यहां का, जो सोमवार को ये मंडी लगता है। तो आज ये आखिरी मंडी हुआ, इसके बाद ये मंडी मिलने वाला नहीं है, उसके बाद बकरीद आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आज आखिरी मंडी में देखते हैं कि बकरीद किस तरीके का भाव रहता है। आज उम्मीद है कि कम भाव रहेगा, क्योंकि आज बेचकर सब जाना चाहेंगे, क्योंकि आज के बाद फिर जगह मंडी लगेगी नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर वो बेच नहीं पाएंगे। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि कितना कितना। तो उससे पहले कहेंगे चैनल बनाया था, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, कल आपको पटना राजा बाजार का पूरा रेट पता चलने वाला है, कितना लोग कितने रुपये का धंधा वहाँ करते हैं बकरियों से, बाहर बाहर से लोग से आके, वो सब आपको पता चलने वाला है। तो कल वाला वीडियो भी देखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए पहले आज का वीडियो हम आपको दिखाते हैं आगे खसी का क्या क्या रेट चल रहा है, कितना कम हुआ है, और किस प्रकार का लेने वाले कस्टमर हैं, और किस प्रकार से बिक रहा है कि खसी नहीं बिक रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं ये तीनों खसी का यहाँ पर रेट चल रहा था, तो तीनों का यहाँ पर 32,000 रुपये महंगा जा रहा, 12-12, 12.5-12 इसका, और उसका 7,000-7,24 भाई, मतलब आपको 31-32,000 रुपये मांग रहे थे और 20,000 दे रहे थे, लास्ट 21,000 पर बात हुई, लेकिन तय नहीं की और नहीं बिका। इस प्रकार से रह गया, 21,000 मिल रहा था, इन लोग 31,000 के लमसम पर अच्छा से मांग रहे हैं, मतलब 30 में देने का बोलना है, उनका 21 कहना है, लास्ट 21। चलिए आगे दिखाते हैं हम आपको। इधर दो खसी अब और देख सकते हैं, 12.5 और उसका 13,000 रुपये, यानी 12-13,000 रुपये, और इधर तीन खसी और इधर ये पांच खसी इन्हीं का 12-13,000 का एक एक खसी बिक रहा है। वो खसी बिक चुका है, मगर उसका आदमी है नहीं, तो उसका रेट पता नहीं चल पाएगा। चलिए आ रहा होगा, दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए छोटू लेकर बैठा हुआ है, 10,000 रेट रख लें हो, कम होता है कितना, लास्ट कितना तक दे देगा, कम कर देंगे अगर लेना चाहें तो। 10,000 रुपये रेट ही अपना रखे हुए हैं, सही है, 9.5 लास्ट है, लास्ट 9.5 रखे हैं। तो देख सकते हैं सामने खसी, हम आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखा देते हैं, 6,000 रुपये इसका रेट रखे हुए हैं, और कम करके यानी 4.5-5 तक आपको मतलब मिल जाएगा। तो कोई अगर सस्ते में भी खसी खरीदारी करना चाहता है तो आराम से इजली कर सकता है, उसको भी मतलब 5,000 रुपये तक का भी खसी आपको अवेलेबल हो जाता है। तो इस वजह से आप कर सकते हैं, छोटा छोटा जो आदमी है जिसको कम पैसे हैं, उसको कम पैसे में भी कुर्बानी किया जा सकता है। अगर आप इस तरीके का छोटा छोटा खसी लेना चाहते हैं और अपने यहाँ खोजा करके पालना चाहते हैं तो ले सकते हैं, 2,000-2,500-3,000 में आपको एक से एक इस तरह का खसी मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। ये लोग ठीक वगैरह ये सब कटिंग में जाता है, कोई पूजा में काटने के लिए ले जाता है, तो कोई होली में ले जाएगा, कोई खाने के लिए ले जाएगा, तो इस तरह का ले जाएगा, इसको पाल भी सकते हैं, बड़ा करके खसी बना सकते हैं अगले साल बकरीद उकरीद के लिए। ये देख सकते हैं खसी सारे, इसमें 11 का लॉट लगा हुआ है, ये सब बाहर झारखंड कहीं भी सब जाता है, सब अच्छी अच्छी खसियाँ हैं, सब देख सकते हैं, सब 1.5-2 साल के होते ना, हो 1.5-2 साल का खसी अब देख सकते हैं हम, कितना माल हो जाएगा तो नहीं लेके जा, एक गाड़ी होती तब आ? सब कोई मिला के जाएगा बाहर है ना, और घर पे भी है सब ना, ये यस। अरे आप देख सकते हैं इसका रेंज देख बताते हैं हम आपको, 8,000-10,000 रुपये तक का रेंज का सारे हैं, 11 भी लॉट लगा हुआ है और सब पहले से खरीद के रखा हुआ है, जो झारखंड कर जाने वाला है। देख सकते हैं खसी सब अच्छा अच्छा है, ये लोग खरीद लेते हैं अच्छे से, व्यापारी लोग बहुत अच्छे तरीके से रेट लगा के खरीद लेते हैं लोग, बहुत शानदार शानदार खसी है देख सकते हैं। ये लास्ट लॉट है जो बाहर जाने वाला है, इसके बाद बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि बकरी नज़दीक आ चुका है। तो दोस्तों, इनके बिजनेस को आप समझिए, यहाँ 11 खसी आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, और घर पे भी रखे हुए हैं, यानी ये गाड़ी माल ये बाहर भेजने वाले हैं, यानी झारखंड बोकारो में इनका माल जाने वाला है। 8,000-10,000 के एवरेज में ये सारे खरीद लेते हैं, 10,000-11,000, इससे ज़्यादा ऊपर में हाई माल नहीं जाता है। और ये कितना भी वहाँ बेचेंगे तो एक खसी पे इनको 500 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा हाइस्ट अगर मान के चलते हैं कि इनको भाड़ा लगता है, तो आराम से ये लोग वहाँ पर 15,000-16,000-18,000-14,000 में बेचेंगे, तो एक खसी पर आराम से इन लोग को 2,000-4,000 रुपये का बेनिफिट आराम से होने वाला है। तो सोच सकते हैं आप, इसके 50 खसी भी लेके गए तो आराम से 2-2.5 लाख रुपये आराम से कमा लेंगे एक लॉट में। तो इस तरह का बेनिफिट बहुत ही अच्छा है, अगर धंधा ये बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है, बकरीद के टाइम पे अच्छी कमी नहीं जाती है, बकरीद बाद फिर जाके ऐसे ही कटिंग में भी फिर माल जाता है। तो इस तरीके से ये लोग कटर लोग ये व्यापारी लोग कमाते हैं और अच्छा बेनिफिट कमाते हैं दोस्तों। चलिए हम आपको और खसी दिखाते हैं आगे।
ये देख सकते हैं व्हाइट वाला और एक ब्लैक वाला दो खांसी है। एक इनका 12,000 रेट रखे हैं और एक इनका 11,000 रेट रखे हुए हैं और 14,000 दोनों का यहाँ पर सामने ग्राहक देने के लिए तैयार है। देखते हैं बिक जाएगा आराम से थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा करके। ये देखिए महंगा खांसी 25,000 रुपये रेट रखे हुए हैं। 25 बोलने मगर इतना मिलने वाला है नहीं। स्टार्टिंग में लोग आते हैं बोल देते हैं कि हम इतना मांग रहे हैं इतना मांग रहे हैं, बस सामने से पब्लिक को देखते हैं कि कौन कितना दे पा रहे हैं। लास्ट में घर से आराम से 12-14-15,000 तक निकल जाएगा। दोस्तों ये आखिरी मंडी है बकरीद का, तो खांसी तो कितना खास नहीं देखने को मिल पा रहा है क्योंकि पिछले बार का कंपैरिजन है, क्योंकि पिछले बार खांसी ज़्यादा ही देखने को मिल पा रहा था, जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मेमने मिल रहे हैं। ये सारे मेमने सब बाहर जाएंगे, परब वरब हो सकता है कि कोई नॉन मुस्लिम लोग का आने वाला होगा तो बाहर साइड में सब कटने के लिए ये सब जाने वाले हैं, इसकी वजह से इनका सेल अभी ज़्यादा पिछला साल मंडे को जितना ज़्यादा था, यानी कि पिछले मंडे को यानी सोमवार को मेला लगा था उसमें जितना खासी था उसका कंपेरिजन में इस बार कम है, क्योंकि पिछले बार ज़्यादा हैवी खांसी तक आया। चलिए हम आपको और थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कितना कितना तक है। ये सामने व्हाइट वाला देख पा रहे हूँ, उनसे रेट पूछते हैं ब्लैक वाला, पूछे था कितना रेट है। ये व्हाइट वाले का 12,000 रुपये रेट रखे हुए हैं। अब ब्लैक वाला हो छोटका छोटका 8,000 है, ब्लैक वाला 8,000 और व्हाइट वाला 12,000। चलिए हम आगे और दिखाते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में मेरा आवाज़ थोड़ा सा आपको स्लो सुनने को मिल पा रहा होगा, गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आवाज़ थोड़ा कस के नहीं बोल पा रहा हूँ ज़्यादा से, तो माफ़ करिएगा दोस्तों। चलिए आगे, आज छोटे छोटे मेमने कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं। कितना का है? कितना देखो, हाँ 1,000। कितना तोर कितना रेट है? 3,000 तो बहुत ज़्यादा है। 3,000 मोबाइलवा में ज़्यादा खूबसूरत आवित है, बहुत मोबाइलवा में ज़्यादा खूबसूरत आवित है। देख सकते हैं दोस्तों 40,000 रुपये रेट रखे हुए हैं, ज़्यादा ना मांग रहे हैं 40,000, और यहाँ इस मंडी में बिकने वाला भी नहीं है, ये एकदम गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। 40,000 रेट रखे हुए हैं, तो रेट हाई है, अच्छा अच्छा ब्रीडर मिल जाता है 40,000 में, ये कौन लेने वाला है। बड़ा थोड़ा पाल लेते हैं, अंधे के देश में काना राजा वाला हिसाब हो जाता है। और वो सामने जो लाल और वाइट देख रहे हैं उसका 15,000 रेट है, वो कम करने के लिए भी तैयार है। 40 रख रहे हैं आराम से, इनको 20-25 तक बेच देना चाहिए सही रेट उतना। चलिए आगे दिखाते हैं आपको, एक तो ही रख ले आपको, कितना ये वाला सिर्फ 16,000 में, ये ब्लैक एंड वाइट वाला। रेट तो लमसम ठीक है, 1-2,000 कम करके लिया जा सकता है, रेट कुछ खास नहीं है, सही है, देखने में अच्छा लग रहा है, वेट अच्छा है, चिकनापन खासी है, लंबा भी है। और मंडी छोटे छोटे देखिए इस तरह के खस्से सब आए हुए हैं। धूप बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है।